उत्तर प्रदेश जिला बरेली में धूमधाम से मनाया गया मातृपितृ पूजन दिवस। आपको बताते चलें, बरेली में योग वेदांत सेवा समिति व प्रभात स्कूल श्री कृष्ण चंद्रवती स्कूल के तत्वाधान में मातृपितृ पूजन दिवस मनाया गया। आपको बता दें, सर्वप्रथम बच्चों ने माता पिता को स्वच्छ आसन पर बैठाकर स्वच्छ जल से उनका चरण धोए, फिर माता पिता को तिलक लगाकर अक्षत व पुष्प चढ़ाए, फूलों की माला पहनाकर मंत्रोच्चारण के साथ आरती की। जैसे गणेश ने माता पिता के प्रति दक्षिणा की थी, वैसे माता पिता की 7 बार परिक्रमा की, फिर माता पिता को दंडवत प्रणाम कर माता पिता ने खूब आशीष बरसाया, सबने मधुर प्रसाद ग्रहण किया। समिति प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2006 में पूज्य संत आसाराम बापू ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृपितृ पूजन दिवस मनाने का आह्वान किया। युवा धन की सुरक्षा करके सच्चा प्रेम दिवस मनाने की प्रेरणा दी है। आयोजन में महेश विश्वकर्मा का अहम योगदान रहा। इस दौरान सभी लोगों ने 14 फरवरी को अपने घर पर मातृपितृ पूजन दिवस मनाने व माता पिता की सेवा करने और संतों के सेवा कार्य का अनुसरण करके भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लिया। माताएं इधर बोल नहीं रही हैं, बोले आप लोग। तुम्हारे जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति व पराक्रम की वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन माता पिता एवं गुरु की भक्ति से महक उठे। तुम्हारे कर्मों में धर्म, सज्जनता और कुशलता आए। तुम त्रिलोचन बनो। तुम्हारी बाहर की आंख के साथ भीतरी विवेक की कल्याणकारी आंख जागृत हो। तुम पुरुषार्थी बनो और हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारे चरण चूमे। आयुष्मान भवा, तुम दीर्घायु बनो। श्रद्धावान भवा, तुम श्रद्धावान बनो। विद्यावान भवा, ब्रह्मविद भवा, तुम ब्रह्मवेता बनो। इस तरह से मातृपितृ पूजन दिवस पर माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। हमें तब समझ आता है जब जब हम बड़े होते हैं और हमारे जैसे कोई हमें समझाने वाला होता है, तब समझ में आता है। अगर बच्चे हैं समझ गए तो अच्छी बात है, अगर बड़े होने के बाद हमें समझ आ रही है तब तक शायद हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दिए रहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तब पछताने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि समय रहते अगर हमने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, उनका दिल दुखाया, हमारे किसी भी कारण से अगर हमारे व्यवहार से माता पिता की आंखों में आंसू है, तो समझ लो हमारे सारे तीर्थ धाम, पूजा पाठ, 5 टाइम की नमाज, रोजा रखना, सब कुछ बेकार है अगर हमने अपने माता पिता का दिल दुखाया। तो सब कुछ बेकार है। जो मुस्लिम बच्चे हैं उन
ये कैसे हमें अपने माता पिता की चलना चाहिए और लेना चाहिए। बच्चों में अच्छा संस्कार जाएगा ये कार्यक्रम से। जी मैम, ये हर साल होते रहना चाहिए। जी मैम, माता पिता की इज्जत होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप लोग भी अपने घर में अपने बड़ों की पूजा करोगे। मैम, आज आपके स्कूल में हमने मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम मनाया, आप लोगों को कैसा लगा? दो शब्द हमें बताइए। अच्छा लगा, और हमारे बच्चों ने भी इसके बारे में जाना और बच्चों ने सीखा भी कैसे हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए और अच्छा आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चों में अच्छा संस्कार जाएगा ये कार्यक्रम से। जी मैम, ये हर साल होते रहना चाहिए। जी मैम, माता पिता की इज्जत होनी चाहिए। जी मैम, आप लोग भी अपने घर में अपने बड़ों की पूजा करोगे। जी मैम, धन्यवाद। बच्चों, आपका कार्यक्रम कैसा लगा आज का? आपको अच्छा लगा? माता पिता का आदर करना चाहिए, करना चाहिए। आप 14 फरवरी को क्या मनाएंगे? मातृ पितृ दिवस। अपने घर में माता पिता का आदर करेंगे। बच्चों, ये बताओ, आज आपने मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम देखा, आपके स्कूल में मनाया गया, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा, 14 फरवरी को मनाओगे आप लोग? जरूर मनाएंगे। और बच्चों को बताओगे? कितने बच्चों को? बहुत सारे बच्चों को। अच्छा, तो क्या है 14 फरवरी को? मातृ पितृ पूजन दिवस। कब, डेट क्या है? 14 फरवरी। अच्छा, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। दरवाजा है, इसलिए सुबह उठकर पहले अब्बू अम्मी को सलाम करो, चाहे 5 वक्त की नमाज अदा करो, कितने भी रोजे रखो, हज करो। अगर अम्मी और अब्बू की खिदमत नहीं करते, उनको दुख देने वाले कार्य करते हो, तो खुदा ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ताला अब्बू अम्मी के दिल में बैठा है। कहाँ बैठा है? खुदा अच्छा समझेंगे और अच्छी व्यवस्था करवा के देंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आप ऐसा को ऑपरेट करते रहे, सिखाते रहे हमारे देश के, हमारे समाज को, ताकि लोगों में अच्छी भावना और अच्छे संस्कार बच्चों में पैदा हो। और स्कूल वालों को भी ऐसे कार्यक्रम करवाते रहने चाहिए, ताकि बच्चों में मनोबल बढ़े और उन्हें कुछ सीखने को मिले। ऐसी और सारे लोगों को शुभकामनाएं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा लगा, और पुनः हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि आप अगले साल हमारे विद्यालय में फिर आएं और इससे अच्छा कार्यक्रम। थैंक यू सर।